नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज का न्यूज ये आ रहा है कि शतरंजन श्रीवास्तव ने बढ़ाया परिवार, गांव, जिला और कायस्थों का मान, एसडीएम बने। तो इन्होंने जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें पहली ही बार में इनका चयन हो गया और ये एसडीएम बन चुके हैं। तो देखते हैं पूरा न्यूज क्या है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा न्यूज क्या है। तो न्यूज पढ़ते हैं, ये सहारा न्यूज ने प्रकाशित किया है। शतरंजन ने रचा इतिहास, बढ़ाया माता पिता और परिवार रिश्तेदार का मान। सहारा न्यूज, सारा जीवन न्यूज। अयोध्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के घोषित परिणाम में जिले के साधारण परिवार से जुड़े शतरंजन श्रीवास्तव को कामयाबी मिली है। वह एसडीएम बने हैं, उन्हें मेरिट में यह है श्रीवास्तव जी 32वां स्थान हासिल किया है। शतरंजन की सफलता से पूरा परिवार और गांव, रिश्तेदार व जिले के लोग खुशी से गदगद हैं। अंबेडकर नगर जिले के तहसील अकबरपुर अंतर्गत रसूलपुर उसरी लोदीपुर निवासी हरिहर श्रीवास्तव के इकलौते पुत्र शतरंजन श्रीवास्तव ने परिवार और गांव, रिश्तेदार व जिले का नाम ऊंचा कर दिया। अकबरपुर में ही प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने वाले शतरंजन ने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई अयोध्या से की और इसके बाद शतरंजन ने बीबीडी कॉलेज लखनऊ से बीटेक की डिग्री करने के बाद गोरखपुर से एमटेक किया। उसके बाद लिखा है, शतरंजन श्रीवास्तव के मामा अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार सीएम श्रीवास्तव ने बताया कि भांजे शतरंजन को पहली प्रयास में ही यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अत्यंत साधारण परिवार से निकलकर शतरंजन ने यह कामयाबी हासिल की है। बकौल तीन भाई बहनों में शतरंजन सबसे बड़े हैं। शतरंजन लखनऊ में रहकर अपनी तैयारी कर रहे थे। शतरंजन की छोटी बहन उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है और सबसे छोटी बहन बीटीसी कर रही है। शतरंजन की माता श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव गांव में गृहिणी है और पिता हरिधारी श्रीवास्तव तहसील में एक दस्तावेज लेखक हैं। शतरंजन के एसडीएम पद पर चयनित होने पर पूरे परिवार के साथ गांव और रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। मामा सीएम श्रीवास्तव ने बताया कि शतरंजन की कामयाबी का श्रेय बहन पुष्पा और बहनोई हरिधारी को देते हुए बताते हैं कि आप लोगों की मेहनत और अच्छे संस्कार से ही आज यह मुकाम हासिल हुआ है। तो ये रही न्यूज। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।